ओम नमः शिवाय। आज जन्म में जातकों का मूल नक्षत्र होगा। यह नक्षत्र भी गंड मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसकी शांति 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में करानी पड़ती है। ऐसे जातकों के अंदर एक अभूतपूर्व नेतृत्व की क्षमता रहती है, सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं, बेहद ईमानदार होते हैं और इनके अंदर भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। आज मेष राशि वाले जातक अपने आप में बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, विशेष तौर से दोपहर के बाद और अच्छा महसूस करेंगे। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, नई कार्य योजनाओं को बल मिलेगा। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों के लिए भी समय अनुकूल है। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा, कार्य व्यवसाय ठीक चलेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है, विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अनुकूल है। हनुमान जी की आराधना करें, अनुकूलता बनी रहेगी। वृष राशि वाले जातक आज ठंड से बचें, सांसों में तकलीफ या फेफड़े से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। मित्रों के सहयोग से वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, मामले सुलझ सकते हैं। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का समय अनुकूल है। विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाएं, समय अनुकूल चल रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, माँ के स्वास्थ्य में कुछ लाभ मिल सकता है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातक आज मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे, अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, काम करने में मन लगेगा, कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, नए काम करने के अवसर मिल सकते हैं, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। आज आपकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विशेष अनुकूलता के लिए नहाने वाले पानी में फिटकरी डालकर स्नान करें या गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। कर्क राशि वाले जातकों का अभी संघर्ष का दौर खत्म नहीं हुआ है, थोड़े दिन और धैर्य रखें, समय बहुत अनुकूल हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी हुई है, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा, नए काम के लिए समय अनुकूल होने वाला है, योजनाओं को सोच कर रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, आप पूरे परिवार के साथ रुद्राभिषेक कराएं या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, हर तरह से अनुकूलता मिलेगी। सिंह राशि वाले जातक का आज का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आज के काम को कल पर न टालें, पेट में भारीपन की स्थिति बनी हुई है, इसलिए हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन कर। कार्य व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। धन संबंधी मामलों में आपके मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। आत्मविश्वास में कमी ना करें, प्रयास सार्थक होंगे। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। माँ का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। सूर्य देव को अर्घ दें या ओम घृणी सूर्याय नमः का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। कन्या राशि वाले जातक आज बहुत बेहतर महसूस करेंगे, शरीर के अंदर ऊर्जा की मात्रा भरी हुई रहेगी, उसका सकारात्मक उपयोग करें। नई कार्य योजना बन सकती है, व्यवसाय में अनुकूलता बनी हुई है, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है,
विशेष अनुकूलता के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं या गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। आपके ऊपर ईश्वरीय सहयोग सितंबर 2017 से ही बना हुआ है, इसलिए समय यदि थोड़ा कमजोर भी आपका रहता है तो आपको महसूस नहीं हो पाता। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कार्य योजनाओं में बढ़ोतरी होगी। चूंकि शुक्र आपके चौथे घर में आ चुके हैं, इसलिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, काम करने में मन लगेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। यदि आप नौकरी करते हैं तो भी आज आपका दिन अनुकूल है। धन संबंधी मामलों में अचानक लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। संतान संबंधी समाचार शुभ मिल सकता है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, विशेष अनुकूलता मिलेगी। पिछले दिनों की अपेक्षा आज आप बहुत राहत महसूस करेंगे। ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई रहेगी। कुछ अच्छे कामों के लिए कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है। कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा। धन संबंधी मामलों में अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। वाड़ी में मधुरता लाएं और लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों का समय बहुत अनुकूल है। अचानक लाभ की स्थिति बनी हुई है। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य, केतु और शुक्र एक साथ चल रहे हैं, इसलिए पिता को हड्डी संबंधी समस्याओं का अंदेशा बनता है। ध्यान रखें, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। हनुमान चालीसा या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा है, ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कुछ भी नया करने को सोचे हैं तो उसको क्रियान्वित करें, लाभ मिलेगी। आय की स्थिति बनी हुई है। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय बिल्कुल अनुकूल चलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल है। केले के पौधे में जल डालें और हनुमान जी की आराधना करें, अनुकूलता मिलेगी। आज दोपहर में सूर्य आपकी राशि पर आ जाएंगे, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा महसूस करेंगे। कुछ विशेष ऊर्जा की अनुभूति होगी। कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों का दिन बहुत अच्छा महसूस होगा। कुछ अच्छे कामों में खर्च हो सकता है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। हनुमान जी की आराधना करें या ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप करें, विशेष अनुकूलता मिलेगी। आपके अंदर आज कुछ विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कार्य योजनाओं को बल मिलेगा। भाग्यवश कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें लाभ की स्थिति बनी हुई है। नौकरी करने वाले जातकों का आज का दिन बहुत अनुकूल है। धन संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है। पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखें। शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, लेकिन अपनी कार्य योजनाओं को कल पर न टालें। जो आज आप सोच रखे हैं उसको आज ही क्रियान्वित करें, लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय थोड़ा धीमा हो सकता है। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों का दिन आज का अच्छा है। काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। माता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।